हत्या के एक मामले में तीन वकीलों को नामजद कर एक वकील की गिरफ्तारी के विरोध में चल रही हड़ताल के दूसरे दिन भी वकील हड़ताल पर रहे और ज्यादातर कामकाज ठप रहा। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के प्रधान धर्मेंद्र सिंह तेवतिया की अध्यक्षता में वकीलों ने बैठक की और पुलिस प्रशासन की कार्यवाही की निंदा की। तेवतिया ने कहा कि गुरुवार को गांव मानकौल में झगड़े के दौरान फायरिंग के दौरान मानकौल निवासी दुर्गादत्त की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मानकौल में अभी 5 रोज पहले एक झगड़ा हुआ था, उसमें हमारे 3 वकील साथियों को फंसाया गया है, जिसमें से देवदत्त जी का नाम हमने अप्रोच भी किया था प्रशासन को, वो निर्भर अपना गलत फंसाया गया है। मौके पर भी नहीं था, प्रशासन ने कहा तो था, आश्वासन भी दिलाया था कि इसके बारे में छानबीन की जाएगी, लेकिन प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेज दिया। वो गलत है, निर्दोष है। हमारी हड़ताल उसके लिए है कि ऐसे तरह से निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए और उन्हें छोड़ा जाए। अगर वो जल्दी नहीं छोड़े जाते हैं इस केस से, तो आगामी कदम आपका क्या होगा? आगामी अभी हमारी हड़ताल जारी है, कल भी हड़ताल रही थी, आज भी हमारी हड़ताल है और उसके बाद हमारी फरीदाबाद में कल, आज हमने मैसेज उनको किया था, कल से फरीदाबाद भी रहेगी, उसके बाद देश में रहेगी, पूरे प्रदेश में रहेगी। हमारे संपर्क जारी हैं, हर जिले में हम संपर्क कर रहे हैं इस बारे में, और समय रहते हम अगर प्रशासन ने कोई सही कदम नहीं उठाया तो हम हड़ताल पर जारी रहेंगे।